दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इधर निधि को पता चला है कि आखिरकार प्रीता जिंदा हैं और इस समय करण के साथ हैं, तो वाकई में और ज़्यादा टेंशन में है। और इधर बात की जाए तो सौर्य का फ्रेंड सौर्य को भड़का रहा है इस समय, जो कि लगातार राजवीर और पलकी के खिलाफ। जी हाँ, क्योंकि जो कि सौर्य से बोला गया है कि सौर्य तुम्हारे बीच में जो कोशिश की थी वो उसमें कोई और नहीं बल्कि पलकी ने भी साथ दिया था, अब हमें पलकी से भी बदला लेना है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कहानी वाकई में अपने एक दिलचस्प मोड़ और दिलचस्प नज़ारे पे पहुंच चुकी है। बात की जाए इस समय कहानी की तो सभी लोगों को पता है कि कब क्या कैसे और क्यों करना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बात की जाए इस समय की तो सभी लोगों को पता है कि प्रीता का इस घर में आने के बाद में सीधा सीधा इस घर से निकलती हुई नज़र आने वाली है निधि की, क्योंकि निधि ज़्यादा समय इस घर में अब स्टे नहीं कर पाएगी। क्योंकि प्रीता को धीरे धीरे ही सही लेकिन सब कुछ याद आता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में वाकई में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। बात की जाए इस समय की बड़ी खबर की तो इस समय की बेहद बड़ी खबर मिल रही है, जहाँ पर राजवीर एक चीज़ और बोलता हुआ नज़र आएगा कि जो सौर्य ने किया है वो वाकई में सही नहीं किया है और सौर्य को सज़ा उसके करने की मिली है, क्योंकि उसने वाकई में पलकी के साथ में बुरा किया था और इसीलिए उसको इस चीज़ की सज़ा हम देने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही लूथरा परिवार का कहना यह है कि सौर्य ने चलो गलत किया है, लेकिन तुम्हें इतना गलत करने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उस पर इस समय निधि का हाथ है, निधि को ही सब लोग कसूरवार मानते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए।